मुंबई जा रहे मुंबई मोर्चा जाने को मुंबई मोर्चा मुंबई मुंबई हाँ चल के जाएंगे। हाँ गए थे, चार बार गए थे, कुछ नहीं किया है, अभी करना मांगता है। हाँ गए थे ना, लॉन्ग मार्च में गए थे, अभी अभी भी जा रहे। उस दिन जो बोले थे ना सरकार की वो कर देंगे, नहीं किया, इसलिए अभी हो जाएगा तो निकल रहे। पाटोदा तालुका जिला बीड से मैडम काम मागितलं, मी आम्हाला काम दिलं नाही, पोराने आत्महत्या केली, मी पण आता आत्महत्या करणार असते, कामाची अंमलबजावणी होत नाही, कागद दाखवू का तुम्हाला, पेपर दाखवू का, पेपर या अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यावर निलंबित करा, ही एवढी माझी मागणी आहे। हम लोग तालुका निहाल से आए हैं, तलासरी, डहाणू, पालघर, जवाहर, मोखाड़ा, शाहपुर, वाड़ा, यहाँ से करीब 10,000 से आगे लोग होंगे। वनाधिकार का बहुत सालों से हमारे लोग जंगल में रहते हैं, फिर भी जो वन पट्टा देना चाहिए, जो 10 एकड़ का केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, उसी हिसाब से आज तक महाराष्ट्र सरकार हमारे इधर किसानों को जो न्याय देना चाहिए कानून के हिसाब से वो दे नहीं रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं इसके लिए। और रेशन का है, पानी का है, थाना पालघर में तो बहुत बड़ा पानी का प्रश्न हुआ है, पानी खेती के लिए देना चाहिए। जैसे कि देश के प्रमुख को लोग हैं तो कानून के लिए संविधान बनाया है, तो संविधान किसके लिए बनाया है, सबके लिए बनाया है, तो संविधान के हिसाब से हम गरीब लोगों के जो कानून बनाया है उसका अंमलबजावणी होना जरूरी है। पर राखेल बंद के आम्ही जंगलामध्ये रहतो, कालोखात रहतो, आम्हाला का लाईटचं नाही सोय, ते अंगठे आम्ही कामा करून करून आमचे अंगठे येत नाही, त्याच्या मुळे रेशन पण आम्हाला देत नाही, पाण्याचं सवाल, पाणी पण नाही सारखं आम्हाला मिळत, आणि राहायचं ठिकाण नाही, आणि पलाटा आमची एक साली पलाटा आहे, ती पण सरकार नावं करून देत नाही, जीपाईस पण नाही करत, आणि आम्ही फार्म देतात ते सरकार फेकून देतो। अभी वही बोलना है की हमारी जमीन है, कब जमीन जो है ना वो हमारे नाम पे कर दे, बस उसका कुछ नहीं ज्यादा।